नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शफीकुर रहमान बर्क की। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार थे, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके आखिरी दिनों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। शफीकुर रहमान बर्क ने 94 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे अपने राजनीतिक करियर में 5 बार सांसद रहे। शफीकुर रहमान बर्क साल 1996 से 98 और 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। 2009 में बसपा से और 2019 में संभल से लोकसभा सीट पर सपा से सांसद रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी ने सपा के शफीकुर रहमान बर्क को 5,174 वोटों से हरा दिया था। देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर से ग्रसित थे, अधिकतर ऑर्गन काम नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटल में 1 महीने से ऊपर वो एडमिट थे, थोड़ा एज वाली बात भी थी, तो जो भी बेस्ट हो सकता लगातार चल रहा था। लेकिन जिस तरह की बीमारी होती है मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर, इस उम्र में उसमें नतीजे कम निकलते हैं। जो बेस्ट हो सकता था किया गया, उनके परिवार के लोगों ने भी जो उनके लिए अच्छे से अच्छा सब कुछ किया। लेकिन आज मॉर्निंग में कुछ देर पहले बलिया से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। पिकअप और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा, साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं भी व्यक्त की। इस मौके पर डीएम ने कहा कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। ये जनपद बलिया में थाना बैरिया के अंतर्गत, बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर रात में 3:30 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कुछ लोग दोपटी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे। 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से BHU के लिए रेफ़र किया गया है। और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोन बरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं। उनके शाहजहांपुर से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे छात्र छात्राओं की कार का टायर फट गया था, जिसके बाद कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 छात्र छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 7 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा कैंट थाना इलाके के जरावन गांव में हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक बरेंडा गांव से बच्चे हाई स्कूल का पेपर देने जैतीपुर जा रहे थे, इसी दौरान कार टायर फटने के बाद पेड़ से टकरा गई थी। जनपद शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरावन में आज सुबह एक ऑटो गाड़ी, जिसमें कि 10 छात्र छात्राएं सवार थी, जो परीक्षा देने के लिए जैतीपुर जा रहे थे, उस गाड़ी का अचानक अगले पहिए का टायर बस्ट हो जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई पलट गई, जिसमें कि 4 छात्र छात्राओं की, जिसमें 2 छात्र 2 छात्राओं की मृत्यु हो गई है। 6 लोग इंजर्ड हैं, जिनका कि अस्पताल जिला अस्पताल शाहजहांपुर में इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये स्कूली बैंस हैं, उसके बाद ट्रैक्टर टाली हुई, इससे तभी हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी वहाँ भी हुआ था, आज जरवन में जो हुआ है वो ड्रिंक किए हुए था ड्राइवर, वो डिटेन किया गया है और पूरी सतर्कता कर रहे हैं। डेली हम लोग चालान ओवर लोडिंग में कार्रवाई कर रहे हैं सर, उसकी संख्या हम बता भी सकते हैं। कुछ पब्लिक को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है इसमें, और जो घटना हुई बहुत दुखद है। हमने अभी घायलों को देखा, प्रॉपर उनका इलाज चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमृत भारत योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में शामली को भी बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत बुढ़ाना रोड रेलवे क्रॉसिंग पर एक फ्लाईओवर और अंडरपास का शिलान्यास किया। बता दें कि करीब 2 दशकों से बुढ़ाना रोड रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रहती है, जिसकी वजह से लंबे वक्त से रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर के निर्माण की मांग की जा रही थी। अब ये मांग पूरी होने जा रही है। पीएम मोदी ने शामली समेत देश के करीब 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बता दें कि दिल्ली से लेकर शामली तक 5 ओवरब्रिज बने हैं, जिसमें शामली में बुढ़ाना रेलवे फाटक का ओवरब्रिज भी शामिल है।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि यह हंगामा एक कार्यक्रम के दौरान हुआ है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष शिवम दीक्षित ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल शिवम दीक्षित को मंच पर जगह नहीं मिली, जिस पर वे बौखला गए। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ जमकर अभद्रता की। आरोप है कि बीजेपी नगर अध्यक्ष ने रेल के अधिकारियों की हाईकमान में शिकायत करने की भी धमकी दी है। बुलेटिन में बात समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव की भी कर लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर घमासान मच गया है। कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव शिकोहाबाद के निजामपुर गड्डुमा पहुंचे थे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितने मंदिर औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े, उससे 100 गुना ज्यादा बौद्ध मठ शंकराचार्य के शिष्यों ने तोड़ डाले और आज वही लोग सत्ता में लौट आए हैं। रामगोपाल यादव के इस बयान पर पूर्व विधायक हरिओम यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव का दिमाग सनक गया है। वे सनातन को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते और ना ही हिंदू को मानते हैं। किसी की इज्जत करना भी नहीं जानते। रामगोपाल का दिमाग सनक गया है, वो कभी भी कुछ किसी के लिए बोल सकते हैं। वो सनातन धर्म को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, वो हिंदुओं को नहीं मानते, वो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, तो उनके बारे में बार बार क्यों पूछते हो? उम्र बहुत हो गई है, लगभग 80 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो आप जानते हो 60 साल के बाद बुजुर्गों का दिमाग बच्चों जैसा, तो वो तो बच्चों जैसी बात करते हैं। उनका ये कहना है कि वो ही लोग सरकार में फिर आ गए जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को यहाँ से खदेड़ दिया था। हमने कह तो दिया, रामगोपाल जी क्या कहते कुछ पता नहीं, उनका भगवान ही मालिक है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगातार दोबारा मथुरा से चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं। इसी कड़ी में हेमा मालिनी गोवर्धन स्थित हनुमान बाग आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। साथ ही आश्रम के महंत संत सियाराम बाबा से आशीर्वाद भी लिया। सियाराम बाबा ने सांसद को चुनरी ओढ़ाई और प्रसाद भी दिया। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि वे आलाकमान के आदेश पर एक बार फिर से मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी। हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा से उन्हें अलग ही लगाव है, ब्रज से उन्हें प्यार है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर सांसद ने कहा कि मंदिर का मामला अभी कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। महसूस ऐसा होता है कि साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, तो ऐसा एक अनुभूति होती है। और हम लोग राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हनुमान जी को तो सब पूरा वर्ल्ड इतना चाहते हैं, युवा पीढ़ी से लेके बच्चा, जब सब लोग हनुमान जी के, हम लोग भी बच्चों को जब बताते हैं, छोटे हमारे स्कूल उल जाते हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना। सुल्तानपुर में एक बार फिर से गोमती सेतु टूट गया है, जिस पर खूब सियासी हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो सुल्तानपुर राम वन गमन पथ पर टाटिया नगर के पास फिर से गोमती सेतु टूट गया है, जिसकी वजह से शहर में भयंकर जाम की स्थिति है। मामले को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। मामले को लेकर कांग्रेस ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि राम वन गमन पथ अयोध्या से प्रयागराज को जाता है, जो एक साल में 3 बार टूट चुका है और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने मामले में जांच की मांग की है। देखिए, राम वन गमन पथ जो हमारा बना हुआ है अयोध्या से प्रयागराज टांटिया नगर में, वहाँ गोमती नदी पे जो पुल बना है, लगातार 3 बार वो टूट चुका है। साल में 3 बार पुल टूटना, 3 बार उसकी मरम्मत होना, करोड़ों करोड़ रुपया उसमें लग जाना, ये इस पे शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है, किसी की जवाबदेही उस पे नहीं है। एक बार ऐसी घटना हुई तो उस पे जांच होनी चाहिए थी, किस कारण हुआ या किस लोगों ने उस पे काम कराया, क्या कार्यदायी संस्था की क्या जिम्मेदारी। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लोन के बहाने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, बैंक मोहर, लोन से जुड़े फॉर्म भी बरामद किए गए हैं। दरअसल शिकायतकर्ता राजू कुशवाहा ने पुलिस को बताया था कि उससे लोन दिलाने के बहाने धोखाधड़ी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन बदमाशों ने आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बुलंदशहर, एटा और मथुरा जैसे कई शहरों में जगह जगह लोन देने से जुड़े पोस्टर लगा रखे थे, जिन पर मोबाइल नंबर भी मौजूद थे। नंबरों पर कॉल आने के बाद आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों से बात करते थे, फिर आधार कार्ड मंगाकर किसी बैंक के पास बुलाते और फर्जी लोन का फॉर्म भरवाकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। अब पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा कर दिया है। देखिए, साइबर थाना पुलिस एवं उत्तर थाना पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
जिनके नाम हैं युवराज, मनीष एवं रोहित। युवराज इसमें BBA पढ़ा हुआ है और बैंकिंग के बारे में उसे पूरी जानकारी है। ये लोग ऐसा करते थे कि पहले ये अपना एक पंपलेट छपवा करके उसे आसपास के जनपदों में फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा में वितरित करते थे, जिस पर उनके अपने मोबाइल नंबर्स भी होते थे। जब उसमें लोन के लिए जब उनको लोग कॉल करते थे तो उसे बात करके व्हाट्सएप पे उनके सारे डिटेल्स मंगवा लेते थे, फिर उन्हें बुलवाते थे, बैंक के आसपास ले जाते थे, उनका KYC वेरिफिकेशन के नाम में मोबाइल नंबर भी ले लेते थे और ये भी कहते थे कि आपका जो लोन अमाउंट होगा उसका 20% आपको अपने अकाउंट में रखना जरूरी है। इस तरह से करके जब झांसी में दिन दहाड़े गोलीकांड की वारदात से हड़कंप मच गया है। हमलावर ने बूढ़ा गांव में चौराहे पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सीपरी बाजार थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक मृतक ठेला लगाने का काम करता था। आरोपी ने चौराहे पर पहुंचकर गोली मारी और मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर SSP पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस की टीम CCTV फुटेज खंगाल रही है। SSP ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। झांसी जनपद में थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है बूढ़ा, उस भोजरा मंडी जाने के रास्ते में भी पड़ता है, उसके पास एक व्यक्ति लगभग 45 वर्ष है, वो ठेला लगाता है। आप देख सकते हैं उसी के पास हम लोग खड़े हैं, तो किसी विवाद को लेकर उनको गोली मारी गई है। जो दो कोका मिला है अभी पोस्टमार्टम से पता चल गया उनको शरीर पे कितना गोली लगी है। फिलहाल अभी आसपास बुलेटिन के आखिर में बात तो शाहजहांपुर की भी कर लेते हैं। शाहजहांपुर के माधव राव सिंधिया पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कई वर्किंग मॉडल और चार्ट प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा का साबित करते हुए यहां पर बच्चे नजर आए हैं। स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष ऋचा जौहरी ने बताया कि इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन CBSE के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किया गया था। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक अर्चना जौहरी ने बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का महत्व समझाया। स्कूल की प्रिंसिपल शुमायला ने बताया कि इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं ने कई साइंस प्रोजेक्ट बनाए थे। बच्चों ने आज नेशनल साइंस डे के एग्जीबिशन पे बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं इन्होंने। बहुत ही क्रिएटिवली और इनोवेटिवली इन्होंने देखा, अपना थॉट प्रोसेस ये किया और टीचर्स की गाइडेंस में अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ इन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ आर डायरेक्टर सर एंड डायरेक्टर मैम, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आर टीचर्स एंड द क्लास टीचर्स ऑफ द क्लासेस इज वेल। सो हमारी प्रिंसिपल मैम शुमायला मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम शिवांगी मैम, हमारी शुभांगी मैम, साक्षी मैम साइंस टीचर, सबा मैम क्लास टीचर ऑफ क्लास 6, तो इन सब ने बच्चों को बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छी गाइडेंस दी और इन सब के ही सपोर्ट से और अपने पेरेंट्स के भी सपोर्ट से बच्चों ने बहुत इनोवेटिवली मॉडल्स डिज़ाइन किए हैं। ये वर्किंग मॉडल्स हैं, आप सोच सकते हो इतने छोटे छोटे बच्चे वर्किंग मॉडल्स के कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी एनकरेज, बच्चे इतने इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News।